गोरखपुर विश्वविद्यालय को ए डबल प्लस ग्रेड मिलने पर कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि डीडीयू विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में ए डबल प्लस ग्रेड प्राप्त किया है। ए डबल प्लस में भारत के बहुत कम विश्वविद्यालय हैं, लगभग 8 से 9% विद्यालय ही ए डबल प्लस के ग्रेड के होंगे। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय को 3.78% मिला है, जो कि प्रदेश के विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय व गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का 3.54% है। उन्होंने कहा यह गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को व अध्यापकों को इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का ग्रेड पाने के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय पैसा खर्च करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय देश का 4th विश्वविद्यालय बन गया है जिसको इस तरह का ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा हम लोगों ने खुद अपने कार्यों से इस तरह का ग्रेड पाया है। पहले छात्र पढ़ाई के लिए दिल्ली जाता था, अब वह सभी सुविधा गोरखपुर विश्वविद्यालय देगा। विश्वविद्यालय अब छात्रों के लिए सीट बढ़ाने जा रहा है। देश में 85% विश्वविद्यालय हैं, उनको एक मैसेज गया है, क्योंकि यहाँ पर गरीब घर के बच्चे आते हैं। यहाँ भी नेशनल पोटेंशियल के सिस्टम है, जिनको हम लोगों ने करके दिखाया है, जिसका उल्लास 1 महीने तक मनाया जाएगा, जिसको हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने कहा नैक मूल्यांकन जो विश्वविद्यालय पा जाता है उसको भारत सरकार 50 करोड़ स्पोर्ट्स के लिए देती है और 50 करोड़ स्किल के लिए देती है, लेकिन अब ए डबल प्लस जब लिख कर दिया जाएगा तो कोई भी प्रोजेक्ट आपके विश्वविद्यालय को मिलेगा, जिसका पूरा प्रचार प्रसार गोरखपुर के सभी महाविद्यालयों में किया जाएगा। अभी आगे भी प्रयास जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा उसमें भूल जाए, इसमें दाखिल हुआ कि हुआ क्यों हुआ, किसका कितना है, कैसे है, क्या इसके फायदे हैं। जैसे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खुले चाहिए स्पोर्ट्स के लिए 50 करोड़ मिलेंगे। डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ए डबल प्लस प्राप्त किया है। ए डबल प्लस में भारत के बहुत कम विश्वविद्यालय हैं, मुश्किल से 8-9% विश्वविद्यालय होंगे जो नैक अक्रेडिटेड हैं, प्राप्त किया होगा ए डबल प्लस। उसमें से हमारा विश्वविद्यालय भी है, 3.78% CGPA बोलते हैं, वो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट कैलकुलेशन का फार्मूला होता है, 4 में से हमें मिला है, जो कि हमारे प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है। हमारे बाद 2 ही A++ की यूनिवर्सिटी हैं प्रदेश में, एक DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दूसरी लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3.54 है, हमारा 3.78 है, काफ़ी आगे है। जो मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ आज, मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, और ऐसी बहुत सारी उपलब्धि हैं जिनको बड़ा कहा जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि इस बड़ी उपलब्धि को गोरखपुर के छात्रों को, गोरखपुर के टीचरों को और गोरखपुर के निवासियों को समझने की और उसके अनुसार व्यवहार करने की। एजुकेशन जो आजकल हो गया है, जो ब्रांडिंग में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बहुत पैसे खर्चा करती हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं, तो गोरखपुर रह के हम जो अपने राष्ट्रीय स्तर पे आज हम 4th विश्वविद्यालय हैं हो गए हैं, जो 3 विश्वविद्यालय और हैं, एक है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है ये मुंबई में है, इनका जो CGPA है 4 में से 3.89 है। टाटा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, हाथ में रहती हैं। अक्सर आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो मेरे पास 7 यूनिवर्सिटी का डेटा है जो नेक एग्रीडेड है, तो पहला टाटा का है। दूसरा गुरु नानक देव
यूनिवर्सिटी अमृतसर, GNDU अमृतसर। अमृतसर का बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरह है, बड़ा अच्छा है और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी है। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स में उसकी फर्स्ट रैंकिंग रही है। तो उनका 3.85 है, दूसरी है। तीसरी यूनिवर्सिटी है लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, इनका 3.79 है और AA+ इनका भी है। उसके बाद दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय है जिसका 3.78 है। तो हम लोग देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पे चौथे नंबर पे हैं और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3.28 है, इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पाँचवें नंबर पे 3.77 है एडिटर। तो मैं कहना ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये हम लोग बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे निकल गए। ये तरीका होता है प्रेजेंट करने का डेटा। हमारे पास पोटेंशियल है, हमने प्रेजेंट किया, पाया। अब ज़रूरत है उसको मेंटेन करने की, अब ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हमने जब कभी अक्सर जो स्टूडेंट गोरखपुर से भागता है, दिल्ली भागता था, दिल्ली भागेगा, मुंबई भागेगा, कलकत्ता भागेगा, वो भागेगा, वो भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पोटेंशियल है और गोरखपुर जैसी स्टेट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जिनका अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रेंथ होती है अगर उसको शोकेसिंग किया जाए जैसे हम लोगों ने किया। और ऐसी विश्वविद्यालय देश भर में करीब 85% विश्वविद्यालय ऐसे हैं। तो उनको एक मैसेज है गया है कि इस पिछड़े इलाके में भी हम जहाँ गरीब बच्चे आते हैं वहाँ भी हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल पोटेंशियल के सिस्टम्स हैं और वो हम लोग ने करके दिखाया है। और इसको मैंने बोला है कि एक महीने तक हम इसका उल्लास मनाते रहेंगे। उल्लास मनाने का ये मकसद नहीं है कि हम लोग कोई इसको बहुत ड्रमिंग करेंगे, ड्रम बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। उल्लास मनाने का ये मकसद है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं उसका रियलाइजेशन हमारे स्टूडेंट को होना चाहिए, हमारे शिक्षकों को होना चाहिए। कई कुछ मीडिया से आया, FM रेडियो से, कि सर एक नेक का मतलब क्या है। तो इस व्यवस्था को समझने की जरूरत है, समझाने की हम कितना आगे निकल गए हैं। भारत सरकार जो नेक ए भी पा जाता है, A+ में, और उसको करीब 50 करोड़ स्पोर्ट्स के लिए देती है, 50 करोड़ इंक्यूबेशन सेंटर इंटरप्रेनरशिप के लिए देती है, 50 करोड़ स्किल के लिए देती है और बहुत सारे। जब आप A+ लिख के दीजिएगा तो आपका आपको प्रेफरेंस से किसी DST में डालिएगा प्रोजेक्ट, आपको मिलेगा। आप UGC में डालिएगा, आपको मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, हमारे कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत है। अभी शायद कॉलेजेस नहीं समझ पाए हैं, तो हम लोग सिस्टमेटिक वे में हर डिपार्टमेंट में इसका फंक्शन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा से दो फायदे होंगे, एक सारे एक मैसेज आएगा कि ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी है जो A++ लेके आई है, इसका मतलब ये है और हम इसके फायदे हैं, और जिससे कि और ये फ़ायदे हमारे दूर दराज के कॉलेज जो हैं वो भी समझ सकें। तो ये आग एक महीने रहेगा और हमारा ये रहेगा कि जो हमने मुहिम शुरू की थी वो आगे बढ़ाई जाए। ये एक, अगर हम कहें कि जो एक इंस्टीट्यूट के एक्सेलेंस के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो हमने एक पैरामीटर पार किया है। पहले हमने QS रैंकिंग 100 में लाए थे, अभी NRF रैंकिंग है, हाई एजुकेशन का रैंकिंग है और बहुत सारे एक्रेडिटेशन सिस्टम है, US न्यूज़ का रैंकिंग है। आप जैसे जैसे शोकेसिंग करोगे वैसे वैसे आपको बढ़ेगा। अब विश्वविद्यालय कोशिश करेगा, हम बहुत जल्दी, हम फरवरी में ही अपना एडमिशन प्रोसेस डालना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके एडमिशन A++ में हो। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें जो दूसरी स्टेट के बच्चे पढ़ेंगे, हम उसकी सीट भी बढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हमें इंटरनेशनल और NIF रैंकिंग हासिल करने में मदद करेगा।
इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक गोरखपुर को एक एजुकेशन हब की तरह तैयार किया जाए। हम अनुरोध करेंगे जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं वो भी हमारे अम्ब्रेला के नीचे आए, जो हमारे एंट्रेंस बच्चे हों तो 20% 30% सेंट एंड्रयूज़ में जा सकते हैं, दिग्विजय नाथ मेमोरियल जा सकते हैं, जो कि दूसरी स्टेट से होंगे और अच्छे बच्चे होंगे। बच्चों से ही यूनिवर्सिटी बनती है, जो अच्छे बच्चे होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी बनती जाती हैं। हमारी IITs इसलिए अच्छे नहीं है कि हमारे पास बेस्ट फैसिलिटी है, हमारी IITs इसलिए अच्छे हैं कि हमारे बच्चे कम्पिटिटिव होके आते हैं, 200 में से एक बच्चा एडमिशन लेता है, तो बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो उनका प्लेसमेंट बढ़ जाता है। तो ही रियलाइजेशन हम लोग को करना है, हम लोग इसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे अलग अलग आयाम पे अलग अलग हम लोग प्रेस नोट जारी करते रहेंगे। कई आज हम एक सर्कुलर जारी कर रहे हैं कौन सा डिपार्टमेंट किस दिन इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेगा, जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो और नई चीज़ें बताएं।